इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। आपको दिखाते हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसकी छत पर 5-स्टार होटल हो। सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करती ये खबर गुजरात के गांधीनगर से आई है, जहां रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। तो स्टेशन के ऊपर एक 5-स्टार होटल बनकर तैयार हो चुका है। कल प्रधानमंत्री इस होटल का उद्घाटन करेंगे। ये लग्जरी होटल और स्टेशन कितना खास है, इसे जानने के लिए आपको हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी होगी। गांधीनगर में जब महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर निर्माण ले रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशाल लग्जरियस होटल की कल्पना कर ली थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि इसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बनाया जाएगा और इसका डिज़ाइन भी इसी तरह से किया गया है। पहला ऐसा लग्जरियस होटल है जो भारत में किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बना, और वो भी इसको तैयार किया गया है ज़मीन से करीब 70 फीट ऊपर इस 10 मंजिला होटल को। और वो उसकी वजह यह है कि यहाँ से पूरा जो सेंट्रल विस्टा का लुक है वो पूरा का पूरा व्यू मिले। होटल के ठीक सामने ये दांडी कुटीर और इसके पीछे महात्मा मंदिर और उसके आगे पूरा सेंट्रल विस्टा पार्क जो है और विधानसभा, तमाम इन चीज़ों को एक लाइन में इस होटल के जरिए देखा जा सकता है। इस होटल के साथ साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन को भी पूरा एक नया स्वरूप दिया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं अभी अपने नए आकार में तैयार है, जो कि एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है गुजरात की विकास गाथा, जिसके मुख्य जो बिंदु हैं सी प्लेन हो या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात हो, उन सभी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। और उसके ऊपर खड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के मॉडर्न विजन का एक सबसे बड़ा नमूना, ये 5-स्टार होटल जो कि गांधीनगर को एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन डेस्टिनेशन बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का सपना जो है उसको पूरा करेगा। एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री खुद यहां आकर के ये स्टेशन और ये होटल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जैसे जो विश्व क्लास का कन्वेंशन सेंटर है उसके साथ एक वर्ल्ड क्लास होटल बने। और आप देख सकते हैं इसकी लॉबी में एंटर होते हुए ही इसका जो ग्रैंडियर एक लुक है वो आपको देखने को मिलता है। क्या खास बातें हैं इसकी, क्या विशेषताएँ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होटल के जनरल मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट हेड मिस्टर जयदीप आनंद हैं। जयदीप भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि एक जो वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर उसके साथ एक विश्व स्तर का होटल बने, आप क्या मानते हैं कितना उस हेतु को ये सिद्ध कर रहा है, सपने को साकार? हमने कोशिश तो जरूर करी है। एंड जब प्रधानमंत्री ने हमें MMCG की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी 2018 में, तो हमको लगा कि हमने द होल आइडिया वॉज कि एक हर दुनिया के हर कन्वेंशन सेंटर में 2 या 3 अच्छे होटल, बड़े होटल जुड़े होते हैं, और वो चाहते थे कि एक बहुत बढ़िया होटल जो कि विश्व स्तर के सारे लीडर जो आएंगे उनको ठहराना भी तो होता है, उन्हीं का विजन था ये होटल बनाना, 70 फुट हाइट पे रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल, ब्रांड उन्होंने चुना है एक लग्जरी ब्रांड, लीला इज अ लग्जरी ब्रांड। तो ये जो उनकी जो विजन है, हम कोशिश करेंगे कि सर्विस और प्रोडक्ट के थ्रू ये पूरी हो। आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का खुद का विजन है, तो क्या इसके डिजाइनिंग प्रोसेस में, इसके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके सुझाव भी मिलते रहे होंगे, किस प्रकार का मार्गदर्शन? एक बहुत बड़े मजेदार मैंने खबर सुनी थी, मैं इस होटल से तब से जुड़ा हूँ जब इसकी नींव लगी थी, तो ये सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री ने एक छोटे से कागज पे ये बनाया था कि ये कन्वेंशन सेंटर है, वो महात्मा मंदिर है, वो दांडी कुटीर है, वो सचिवालय है, और इसके ऊपर एक होटल खड़ा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक कागज पे उन्होंने ये स्केच किया था। अच्छा। तो ये कागज का स्केच मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन काफी लोगों ने देखा है, और ये उनका
ड्रीम था जो आज द प्रोसेस उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं इनफैक्ट थ्रू द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हम हर महीने हमारे एमडी सर हम लोग सब मिलके वी गिव हिम अ मंथली अपडेट जो हमने जो प्रधानमंत्री को जाता गया है और वो कॉन्स्टेंटली देखते आए हैं और वो काफ़ी खुश हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा है। ये है इस होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट जिसे इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ आने वाले जो वीआईपी गेस्ट हैं उन्हें अल्टीमेट लग्जरी का एहसास हो। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो गुजराती टच तो देने की कोशिश की गई है। ये झूला जो है ये गुजराती कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। गुजराती घरों के कोर्टयार्ड्स में आपने देखे होंगे इस तरह के झूले लगे रहते हैं। और इसके साथ आप देखिए जो लिविंग एरिया उसके बाद यहाँ पर ये डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं एक ग्रैंड डाइनिंग रूम यहाँ पे बनाया हुआ है स्पेशल गेस्ट के लिए जो यहाँ पे आके रुकेंगे। और रूम्स जो है ये भी आप देखिए खास प्रकार से डिजाइन किए हुए हैं बहुत ही डिसेंट लुक इसको दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन रूम्स में अगर आप देखेंगे तो जो विजन बाहर मिलता है वो आपको सेंट्रल विस्टा का विजन मिलेगा। यानी यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं वो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस कर्टन को हटा करके तो आप देखेंगे इस जगह से सामने आप देखिए दांडी कुटीर और पीछे महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन सेंटर और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो गुजरात की विधानसभा आपको पीछे दिखेगी। ये है गांधीनगर का सेंट्रल विस्टा जो यहाँ आने वाले जो गेस्ट हैं इंपॉर्टेंट उन्हें यहाँ से इसका लुक मिलेगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो यहाँ पे आके रुकेंगे हो सकता है कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ आकर के रुकें और उसी लिहाज से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस होटल में आने वाले वीवीआईपी गेस्ट के लिए रॉयल सूट्स भी खास तौर पर डिज़ाइन किए हुए हैं। ये रॉयल सूट्स इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं जो गुजरात की रॉयल्टी जो है जो गुजरात का रॉयल कल्चर है उसको उस युग में आपको ले जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्नीचर वगैरह भी है जो चेयर्स वगैरह हैं वुडन की इस तरह डिज़ाइन की हुई है जो गुजरात की रॉयल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ रूम्स में आप देखेंगे कुशन वगैरह जो रखे हुए हैं उस पर भी भरतकाम गुजरात की जो कलाकृतियां हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। मिरर्स भी उसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं। और खास तौर पे आप देखेंगे जब रूम में आप आएंगे तो आपको बिल्कुल वही एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया हुआ है जो गुजरात के रॉयल कल्चर में था। पीछे अगर टेपेस्ट्री आप देखेंगे ये भी गुजरात के आर्ट फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ अगर आप देखेंगे कुशन वगैरह जो है उस पर भी गुजरात का जो भरत काम है वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखें फर्नीचर जो है खास प्रकार से ये कैबिनेट्स टेबल और ये जो चेयर वगैरह हैं ये उसी तरह से डिज़ाइन की हुई है जैसे गुजरात के जो अलग अलग रीजन के जो राजा महाराजा थे वो यूज़ करते थे। कुल मिलाकर के यहाँ आने वाले जो गेस्ट हैं उनको गुजरात के उसी रॉयल युग का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे देने की कोशिश की गई। यहाँ महात्मा मंदिर में होने वाले बड़े बड़े कन्वेंशन में जो कॉर्पोरेट हेड्स भाग लेने आएंगे उनके लिए इस रॉयल फ्लोर पे कई प्रकार की एक्सक्लूसिव फैसिलिटी एक ही फ्लोर पे दी हुई है। जैसे कि इस तरह के दो चेयरमैन बोर्ड रूम्स हैं जहाँ पे वो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसी फ्लोर पे उनके लिए प्राइवेट ब्रेकफास्ट एरिया भी बना हुआ है क्योंकि इस तरह के जो कॉर्पोरेट गेस्ट होते हैं ये जनरली पब्लिक के बीच में जाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के वीआईपी गेस्ट उनके लिए आप देख सकते हैं ये ब्रेकफास्ट एरिया बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं अगर वो अपनी छोटी सी कोई गैदरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए इसी फ्लोर पे एक प्राइवेट लाउंज बनाया हुआ है जहां पे वो अपने प्राइवेट पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव एरिया उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यहां से पूरा गांधीनगर का स्काईलाइन भी देखा जा सकता है। जो खास बात है इस फ्लोर की वो ये है कि यहीं से आप सामने देख सकते हैं दांडी कुटीर और महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ से महज 100-150 मीटर की दूरी पे स्थित है। पीछे विधानसभा पूरा सेंट्रल विस्टा का एक स्काईलाइन जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है।
गांधीनगर लीला होटल को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ से यहाँ इसमें एंटर होने से लेकर के होटल के हर पार्ट में कहीं ना कहीं गुजरात की झलक दिखती है। प्रधानमंत्री का भी ये विजन था कि जो इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ आए उन्हें गुजरात का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, इसलिए लॉबीज को भी खास इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। कहीं गुजरात का हैंडीक्राफ्ट दिखता है तो कहीं गुजरात की वाइल्ड लाइफ दिखती है। जैसे कि हम ये 8th फ्लोर पे हैं जो रॉयल फ्लोर है, इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ आएंगे तो यहाँ गिर के जंगलों का रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। जो एशियाटिक लायंस का घर माना जाता है गिर, उसका रिफ्लेक्शन इस रॉयल फ्लोर पे देखने को मिलता है और बहुत ही डिसेंटली इसको आप देख सकते हैं प्रस्तुत किया हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।